हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रामलाल मौर्य। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, अगर मेरा आप प्रॉफिट एंड लॉस का अगर नई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को भी देख लें, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों, कहा जाता है, मेरे बैनर पर लिखा हुआ है कि हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप छू के आइएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान करिएगा दोस्तों, केवल 2 मिनट के मेहनत पे आप पूरा कद्दू में तीर नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, आप करते रहिए, प्रतिदिन कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सारा क्वेश्चन, सारा एग्ज़ाम के क्वेश्चन को क्वालिफाई करके आइएगा। तो दोस्तों, उसके लिए कई घंटे आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो पाएगा, अन्यथा इस तरह नहीं होगा। तो सोचिएगा कि 2-10 मिनट का वीडियो हम पढ़ लें तो पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अगर इस तरह होता तो मैं खुद पढ़ के और एग्ज़ाम ले लिया होता। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए आगे क्वेश्चन पे। और दोस्तों, ज्ञान ज़्यादा लेने पे लगे रहिए आप। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये क्वेश्चन सब बढ़िया लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरा आने वाला सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों पीछे का क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो भी उसका दिक्कत नहीं है, ये वीडियो अच्छी तरह आप देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारा सूत्र उत्र सारा का सारा आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के, क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 8/5 गुना है। दोस्तों एक बार ध्यान करिएगा, ये पहला वाला पहला के बराबर, बाद वाला बाद वाले के बराबर होता है। तो ये बताइए कि हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 और क्रय मूल्य कितना हो गया 5। तो आप बोलिएगा सीधी सी बात, 5 रुपये में ख़रीदा, 8 रुपये का बेच दिया, यानी 3 रुपये का फ़ायदा हो गया। जब 3 रुपये का फ़ायदा हुआ तो किस पे हुआ, तो हमने तो ख़रीदा था 5 रुपये का ना, तो 5 पे हुआ। और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से इसको कटाएँगे 20 बार में कटेगा, और 20 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 या 60। ये हमारा क्या हो जाएगा कि 60% का हमें लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, ये उम्मीद है इस तरह अगर आप बना दीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, क्या करने पर, बेचने पर, तो यानी कि विक्रय मूल्य क्या दे दिया, 76 रुपया। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, कह रहा है कि अब अगर 76 रुपये में बेचता है तो उसको 52% लाभ होता है, तो 75 रुपये में बेचेगा तो उसको कितना रुपया लाभ होगा, ये आपको बताना है, लाभ परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों सबसे तो पहले हमको ये नहीं पता है कि कितने में ख़रीदे हैं, तो पहले खरीद हम निकालते हैं, है ना। तो चूँकि देखिए SP बराबर क्या होता है, मैं आपको शायद पीछे का जो क्लास है उसमें बताया था, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और बटा में 100। ठीक है, ये देखिए SP दे चुका है, बोल रहा है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, यानी कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर। CP तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना होता है 52%, तो 100 है, 52 हुआ तो 152 हो गया, और बटा में क्या है, 100 है।
अब बताइए कि हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 76 × 100 कितना हो जाएगा, 7600, और बटा में ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, 152 बराबर क्या है हमारा सीपी, तो इधर ही रह जाएगा क्योंकि हमें तो क्रय मूल्य चाहिए ना पहले, तो इसको कटाएंगे तो 76 दुना कितना होता है 152, 2 से 100 को कटाएंगे तो 50, यानी कि सीपी हमारा कितना मिल गया 50। अब देखिए आपको निकालना है क्या है, 75 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ परसेंटेज होगा, तो ये बताइए कि एसपी बराबर हम क्या अभी बताएं, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा में 100। तो हमारा अब बोल रहा है कि अब जो तुम 76 रुपये में बेचे थे अब 75 रुपये में बेच रहे हो, ठीक, बराबर जो सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना 50 रुपया, तो पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा, तो ये बताइए कि 100 और प्लस प्रॉफिट और बटा में 100, 50 दुना कितना होता है दोस्तों 100, ये देखिए 75 × 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा 150, जब 150 हो जाएगा और बराबर क्या हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट है ना। अब बताइए ये 100 प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में, तो हमारा पी बराबर क्या मिल जाएगा, 150 में से 100 घटेगा तो 50, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 50% हमारा प्रॉफिट होगा, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं लगेगा, ये कैलकुलेशन बस आपको करना होगा, थोड़ा सा में ही कर लीजिएगा हो जाएगा। ये आपको समझाने में कैलकुलेशन इतना करना पड़ गया, वरना हमको कितना समय लगेगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% तथा 20% छूट देता है, तो प्रति मीटर निवाल कीमत क्या है। कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, कोई कपड़ा है दोस्तों उस पर इसका मूल्य अंकित कर देता है 50 रुपया, और बोलता है कि पहला मैं छूट दूंगा 15% और 20%, दोनों का मैं छूट दूंगा, तो बोला है कि प्रति मीटर निवाल का कीमत क्या है, तो हम क्या करेंगे 50 का पहले 15% निकाल देंगे, तो 15% बटा में परसेंटेज हटेगा तो 100, इसको कटा देंगे तो 2 और इसको कटाएंगे तो 7.5, यानी कि हमारा 50 रुपये का कपड़ा था, जब 15% छूट दिया तो 7.5 रुपये का छूट इस पर मिलेगा, तो 50 में से 50 रुपया तो है, इसमें से 7.5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो हमारा बच जाएगा 42.50 रुपये, ठीक है। अब जो दोबारा दे रहा है, हमारा दे रहा है अब क्या 50 रुपये पर थोड़ा ना छूट दे रहा है, अब तो 42.5 पे दे रहा है ना 20% का, तो अब क्या करेंगे 42.5 का 20% निकाल देंगे, तो 20 × 100 और 5 से इसको कटा देंगे तो 5 × 8 = 40, अब और 5 × 5 = 25, तो 8.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे 42.5 में से इसको भी घटा देंगे ना, क्योंकि हम 42.5 का जब 20% निकाले तो 8.5 आ गया, यानी कि 42 रुपये में से 8.50 रुपये को क्या करना है माइनस कर देना है, तो हम माइनस कर देंगे, तो करेंगे तो क्या बचेगा 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और 42 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 34 बच जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, तो हम सीधे क्या कहेंगे 34 रुपया है ना। क्वेश्चन का देखिए आंसर, तो प्रति मीटर निवाल कीमत क्या हो जाएगा 34 रुपया, तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। ये दूसरा टाइप से भी बनेगा, लेकिन उस टाइप से आप बनाइएगा तो भी समय उतना ही लगेगा, और इस टाइप से भी, तो यही सबसे बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे दोस्तों, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब ये नहीं बताया है कि आपको लाभ ज्ञात करना है कि हानि ज्ञात करना है, अब आपको ये पता लगाना है कि लाभ हो रहा है कि हानि होगा। तो देखिए, कह रहा है कि एक नारियल व्यापारी है, उसको यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, यानी कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए, आप ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, पाँच से इसको कटाइएगा, पाँच पचे पच्चीस, अब पाँच पचे पच्चीस, इसको कटाइएगा तो पाँच पचे पच्चीस, फिर इसको कटाइएगा तो पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, ये कटाइएगा तो दस बार में, यानी कि कहने का मतलब है कि सीपी बटा में एसपी बराबर, ये तो दस तो इधर ही रहेगा और बटा में ये कहाँ चलाएगा, ग्यारह के। ये बताइए कि सीपी कितना है, क्रय मूल्य, खरीदे हम 10 रुपये का, बेच रहे हैं 11 रुपये का, तो हमको फ़ायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब बताइए, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया तो किस पे होता है, तो हमारे क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, एक जीरो कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10%। हमें कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 10% का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों, मैं आपको बताया था, ये आप जो संबंध है इसको बढ़िया से याद कर लें या समझ लें कि एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो हमको क्रय मूल्य जो है ऊपर करना है, विक्रय मूल्य नीचे करना है। तो ये बताइए कि ये जो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा में 100, इसको हम इधर लेके आते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और लॉस हो रहा है क्वेश्चन में ना, बोल रहा है 15% की हानि होती है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 85। अब बताइए, ये सीपी तो इधर ही रहेगा और ये एसपी बटा में चलाएगा। दोस्तों, पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये नहीं पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये देखिए, 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में और ये 17 बार में, तो हमारा सी पी अनुपात एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 20:17, जो राइट आंसर होगा। तो सो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बस आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर जाइएगा। फ्रेंड, आगे देखिए, लास्ट का क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य कहते हैं, एसपी के 80% के बराबर है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है हमारा कि सीपी कितना है 80, एसपी कितना है 100, तो हम बताइए आप कि यस खरीदे 80 रुपये का, बेचे कितने में, 100 रुपये का, प्रॉफिट कितना का हुआ, 20 का हुआ,
जब 20 का हुआ तो किस पे हुआ, तो 80 पे होगा, ठीक है। 80 का हुआ और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 20 चौके 80, 4 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में, तो हमारा जो परसेंटेज लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25%। उम्मीद है दोस्तों ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप जितने भी बुक्स में देखें सबका सब लगाएं, ठीक है। मेहनत आप भी कीजिए और हम भी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। जब तक आप खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरह पढ़िए, ताकि देश का जवान बनिए या ऑफिसर बनिए, और दूसरे लड़कों को भी प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से ही लाइफ बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई अमीर पैदा नहीं होता है, अपने कर्मों से अमीर बनता है। तो दोस्तों अमीर बनने के लिए तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, एजुकेशन हर एक मायने में होता है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप खूब खुश रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, और आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए इस पर भी हमें कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपका सेवा कर सकूँ, ठीक है दोस्तों।